हम तो पत्र संघबाज नहीं है, हम किसान है किसान, हम संघबाज नहीं है, हम किसान है किसान, हम किसान। मेरा एक गाड़ी 14 तारीख से लोड हुई, वो पार नहीं हुआ। दूसरी गाड़ी मेरा 19 तारीख की लोड हो गई, उसे 5,000 रुपया रिश्वत दिया, वो गाड़ी पार हो गई। बैंकों ने कर्जा लूटा, बैंकों ने मकानों को कुल्फ लगाया, ताला लगाया, हम कहां जाएंगे? खतरे में कश्मीर की जिस चीज से पहचान होती है वो चीज खतरे में, कश्मीर के सेब से पहचान होती है वो चीज खतरे में, वो तो अभी बर्बाद हो चुका है सर। इसके अलावा क्या करेंगे? मेरा 2 करोड़ रुपए बैंक लोन है, 2 करोड़ का माल भी मेरा सड़ रहा है इस टाइम। हमको सियासत नहीं, आप यकीन नहीं करोगे। आप बोलते देखो, ये तो हमारा हाल चल रहा है। ये गाड़ी 12,55,000 की गई, इस गाड़ी का 1,35,000 रुपया आया, जो मेरा कभी गाड़ी का किराया है 2,20,000, इस गाड़ी में मेरा सिर्फ 1,35,000 आया। इस गाड़ी का कीमत है मेरा 13.5 लाख रुपया। अभी हम क्या करेंगे? बैंक को क्या जवाब दे देंगे? जिन ग्रोवरों को हमने एडवांस दिया वो पैसा कहाँ से आएंगे? हम वो ग्रोवर क्या दे देंगे? 70-80% लोग इसी पे अपना रोजगार चलाते हैं। और सोपोर मंडी की हालत देखो, बारह सवत की मंडी की हालत, हंदवारा मंडी की हालत देखो, ये लोग रो रहे हैं। हमारा माल सारा अभी पेड़ से गिर रहा है, जो उसको हम सोच नहीं रहे, जो रास्ते में वो रास्ता खुदा के लिए हमको खोल दो। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के, किसान मर रहा है, खुदा के वास्ते हमको बड़ा बाल बच्चों पे सोचो। हमारा बैंक का कर्जा है, हम डूब चुके हैं सारे, अभी जिन्होंने बैंक से लोन उठाया, ग्रोवरों को एडवांस दिया, वो ग्रोवर आज कह रहा है हमारा पेटी खाली पेटी, अभी 60 रुपए, पिछले साल 60 रुपए था, इस साल 120 रुपया हो गया। जो अभी चोकर की गाड़ी उसका कीमत है 1,20,000, हमारा सेब की गाड़ी का कीमत है 14 लाख रुपया, वो पार हो सकता है चोकर की गाड़ी, हमारा सेब की गाड़ी वहाँ पार नहीं होगा। और भी एक सवाल है मुझे आपकी मीडिया की, बता सकते? मेरा एक गाड़ी 14 तारीख से लोड हुई, वो पार नहीं हुआ। दूसरी गाड़ी मेरा 19 तारीख की लोड हो गई, उसे 5,000 रुपया रिश्वत दिया, वो गाड़ी पार हो गई। अगर इसी तरीके से निजाम चलता रहा क्या करेंगे आप? किसान खुद पत्र संघबाज नहीं है, हम किसान है किसान, हम संघबाज नहीं है, किसान है किसान, सिर्फ किसान है आली, हम संघबाज नहीं है, हम सिर्फ गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम किसान है, हमको इंसाफ दो, सिर्फ इंसाफ दो। हमारा इस वक्त तक नुकसान हो गया, जो इस वक्त गाड़ी में जो गाड़ियां रुकी हुई है 55 करोड़, मोदी शाह ने हमको दिया था 80,000 करोड़ रुपया बिल्कुल पैकेज जो पूरे जम्मू कश्मीर का, मगर हम जम्मू कश्मीर के लोग उसके बाद हम 180 करोड़ आपको देंगे, मगर हमारे गाड़ियों को आगे छोड़ दीजिए। अब हम 70% लोग हमारे इस वक्त दब चुके हैं, हम गरीब उस वक्त मारे गए हैं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, 12,000 गाड़ियां इस वक्त हमारे इस नेशनल हाईवे पर भर रहे हैं, अभी 500 गाड़ियों को बांग्लादेश जाना था, 300 गाड़ियों को नेपाल जाना था, आज उधर से मैं फोन आया गाड़ियां कहां है, हम क्या देंगे? बैंकों ने कर्जा लूटा, बैंकों ने मकानों को कुल्फ लगाया, ताला लगाया, हम कहां जाएंगे? किसान आखिर कहां जाए? कहां का इंसाफ है ये? इंसाफ जितने भी हुकुम परस्त हैं, जितने भी अहदेदार हैं, वो अभी भी इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि किसान अभी भी लड़ रहे हैं अपने हक इंसाफ के लिए। और ये जो सीजन होता है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, मगर अभी भी जो है लगातार किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इनकी गाड़ियां जो है वो रोकी जा रही है। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।